जूनियर महिला विश्व कप में आज भारत की महिला हॉकी टीम के सामने जर्मनी की टीम होगी। जर्मनी जो पुल सी है, जिसमें कि भारत के अलावा बेल्जियम और कनाडा की टीमें हैं, उसमें सबसे मजबूत टीम है। तो इस मजबूत टीम के सामने भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, यह देखते हुए कि भारत ने अपने पहले मैच में कनाडा को 12 गोलों की करारी शिकस्त दी है, तो यह सवाल उठता है कि क्या वही कहानी भारत जर्मनी के खिलाफ भी दोहरा सकता है। आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज 22 को और मैं हूं राकेश रंजन। FIH विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी में आज भारत के सामने जर्मनी की मजबूत टीम होगी, लेकिन दोनों ही टीमें दो अलग अलग स्थिति से गुजरकर इस मैच में आज उतरने वाली है। यह देर रात मुकाबला होगा। इनफैक्ट अगर आप तारीख पर जाएं तो भारतीय हिसाब से आप देखेंगे तो यह मुकाबला 1 दिसंबर को होगा, लेकिन यह आज ही रात देर रात जो है यह मुकाबला खेला जाना है। और आपको बता दूं कि जो दोनों टीमें पहुंची हैं इस मुकाबले में, उससे पहले भारत ने अपना पहला मैच कनाडा के खिलाफ खेला, जिसमें भारत ने कनाडा को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में 12 गोलों से पराजित किया, लेकिन जर्मनी की मजबूत टीम को बेल्जियम ने चौंका दिया। और ऐसा वैसा नहीं चौंकाया, उन्होंने जर्मनी के खिलाफ 6 गोलों की जीत दर्ज की। तो भारत 1 दर्जन गोल करके आज जर्मनी के सामने है, तो जर्मनी आधा दर्जन गोल खाने के बाद आज भारत के सामने है। तो इस स्थिति में लगता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के सामने जो है एक अवसर है, और यह मैच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस ग्रुप में 3 टीमें मजबूत हैं, जिनमें जर्मनी, बेल्जियम और भारत की टीमें शामिल हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप मान लें कि सभी ने कनाडा को पराजित कर दिया और अब चूंकि बेल्जियम ने जर्मनी को पराजित कर दिया है, तो भारत के लिए आज जर्मनी को शिकस्त देना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि उसके लिए क्वार्टर फाइनल के दरवाजे खुल जाएं। जिस तरह का प्रदर्शन भारत ने पहले मैच में किया वो काबिले तारीफ है। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने शानदार प्रदर्शन किया था पहले मैच में कनाडा के खिलाफ, उन्होंने हैट्रिक लगाई थी। मुमताज खान जो कि स्टार फॉरवर्ड है भारत की, उन्होंने 4 गोल दागे थे, और इसके अलावा अनु ने भी हैट्रिक लगाई थी, और इसके अलावा नीलम ने गोल किया था और दीपी मोनिका ने भी गोल किया था। तो यह स्थिति थी पहले मैच में भारत के लिए। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की टीम बेल्जियम के सामने जीत के इरादे से उतरी थी, लेकिन वहां जो उन्हें हार मिली है, इससे सदमे में होगी टीम, और भारत की महिला हॉकी टीम को इसी का फायदा उठाना है। भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है तो जर्मनी की टीम का मनोबल गिरा हुआ है, लेकिन यह बात भी सच है कि जर्मनी की टीम वापसी की कोशिश करेगी। ऐसी परिस्थिति में जो इंडियन फॉरवर्ड हैं, जो पहले मैच में बेहतरीन खेल दिखा चुके हैं, उनसे ढेरों उम्मीदें होंगी। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे मैच में भी दीपिका सोरेंग, मुमताज खान और अनु की जो नजरें होंगी, या आप कह सकते हैं इन तीनों के निशाने पर जर्मनी का गोल पोस्ट ही होगा, और उस गोल पोस्ट के अंदर जितनी बार ये गेंद पहुंचाने में सफल होंगी, भारत के लिए संभावनाएं क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। भारत में जो डिफेंस है वो मजबूत है, वहां पर कप्तान प्रीति है, नीलम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, रोपनी कुमारी जो झारखंड की खिलाड़ी है उनका प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन रहा है। मिडफील्ड में महिमा टेटे का खेल अच्छा है, तो मिडफील्ड भी भारत का जो है वो बहुत मजबूत है। मंजू चौरसिया है, ज्योति छत्री है, तो इन सब के साथ जो है भारत की टीम एक संतुलित टीम दिखती है। और जैसा कि दीपिका सोरेंग, जो झारखंड की दीपिका सोरेंग है, कनाडा के मैच के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से इस टूर्नामेंट के लिए हमने काफी मेहनत की है, और उन्होंने ये बात मानी कि कनाडा के खिलाफ टीम से कुछ मिस्टेक हुए हैं, नहीं तो गोलों का अंतर जो है वो 12 से और अधिक होता। तो वो कहते कि हाँ ये बात सही है कि हमने कनाडा के खिलाफ कुछ मिस्टेक किए हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हें रेक्टिफाई करें और जर्मनी के खिलाफ
और ज्यादा गोल करें। मतलब जर्मनी को जो है झारखंड की दीपिका सोरेंग ने एक सीधा सीधा थ्रेट जो है वो दे दिया है, उन्हें चेतावनी दे दी है कि आप संभल के रहिएगा, हम लोग तैयार हैं। तो ये बातें आप मानकर चलिए कि आज दीपिका सोरेंग अनु और मुमताज खान के निशाने पर जर्मनी का गोल पोस्ट होने वाला है। भारत की महिला हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।